आप स्पैरो यानी गोरैया को अपने आसपास की ज्यादातर जगहों पर पा सकते हैं। गोरैया हमारे लिए आम पक्षी है, हमारे दरवाजे के बाहर उनकी निरंतर उपस्थिति रहती है। गोरैया एक प्रकार की छोटी चिड़िया है जो कि विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाले पक्षियों में से एक है। इंसान जहाँ भी घर बनाते हैं, गोरैया के जोड़े देर सवेर वहाँ रहने के लिए पहुँच ही जाते हैं। 14 से 16 सेमी लंबी चिड़िया मानव बस्ती के आसपास ही रहना पसंद करती है। यह हल्की भूरे रंग या सफेद रंग में होती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे पंख और पीली चोंच व पैरों का रंग पीला होता है। अपने घरों, शहरों, कस्बों, उपनगरों और खेतों में आसानी से देखा जा सकता है। आप उन्हें व्यापक रूप से जंगलों या घास के मैदानों में ही नहीं बल्कि रेगिस्तान या सुदूर इलाकों में भी देख सकते हैं। शहरी इलाकों में गौरैया की 6 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये है हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सिंड स्पैरो, रसेट स्पैरो, डेड सी स्पैरो और ट्री स्पैरो। इनमें हाउस स्पैरो को गौरैया कहा जाता है। यह गाँव में ज्यादा पाई जाती है। गौरैया ज्यादातर अनाज और बीज, साथ ही पशुओं का चारा खाती हैं और शहरों में छोड़े गए भोजन को खाती हैं। वे जो फसल खाती हैं, उनमें मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं और ज्वार शामिल हैं। जंगली खाद्य पदार्थों में रेगवीड, फ्रेबरग्रास और अन्य घास और कई प्रकार के अनाज शामिल है। गर्मियों में गौरैया कीड़ों को खाती हैं और उन्हें अपने बच्चों को खिलाती हैं। वे हवा में कीड़ों को पकड़ते हैं, उन पर झपट कर उनका शिकार कर लेती हैं। गौरैया जमीन पर चलने की बजाय उछलती हैं। ये सामाजिक होती हैं, झुंडों में भोजन करते हैं और जमीन पर अनाज टुकड़ों या बीजों के लिए झगड़ते हैं। आप इन्हें सड़क के किनारे के पोखरों में नहाते हुए या खुले मैदान में कूड़ा करकट करते हुए, अपने पंख फड़फड़ाते हुए और समान गति से अपने ऊपर पानी या धूल उड़ाते हुए भी देख सकते हैं। इतने करीबी साथ में रहने से गौरैया ने प्रभुत्व और अधीनता का संकेत देने के कई तरीके विकसित किए हैं। गौरैया बार बार धूल से स्नान करती है। वह अपने शरीर के पंखों पर मिट्टी और धूल ऐसे फेंकता है जैसे वह पानी से नहा रही हो। ऐसा करने में एक गौरैया जमीन में एक छोटा सा गड्ढा बना सकती है। गौरैया घोंसले वाली जगहों जैसे पेड़ों में छेद के बजाय मानव निर्मित संरचनाओं जैसे की इमारतों की दीवारों, स्ट्रीट लाइट और नेस्ट बॉक्स में घोंसला बनाना पसंद करते हैं। इसकी प्रचुरता मनुष्यों के प्रति भय की सामान्य कमी के कारण गौरैया कई एवियन जैविक अध्ययनों के लिए एक उत्कृष्ट मॉडल जीव साबित हुआ है। आज तक गौरैया के साथ अध्ययन प्रजाति के रूप में लगभग 5000 वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित हुए हैं। गौरैया का आम तौर पर आयु काल 4 से 7 वर्षों का होता है। ये पक्षी बहुत ही तेज गति से उड़ पाती है। गौरैया औसतन 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। गौरैया के बहुत कम अंडों में माता पिता दोनों का डीएनए होता है, ज्यादातर में केवल उनके माँ का डीएनए होता है। इनकी गिनती पानी के पक्षियों में नहीं होती, लेकिन फिर भी इनमें तैरने की क्षमता होती है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये पानी के अंदर ही अंदर तैरते हैं। खेतों में मौजूद कीट पतंगों को खाकर किसानों को कीट पतंगों से राहत दिलाती है। यही कारण है कि गौरैया को किसान प्रेमी पक्षी कहा जाता है। 1950 के दशक के अंत में चीन की सरकार ने लाखों गौरैयों को मारने का अभियान शुरू किया, क्योंकि गौरैये फसल खजाया करते थे। लेकिन इस अभियान के खत्म होते ही नतीजे इसके उल्टे आए, क्योंकि लाखों गौरैयों को मारने के बाद सल्स खाने वाले कीड़ों की संख्या में वृद्धि हो गई और इस कारण हालात अकाल और भूखमरी जैसे हो गए थे। वर्तमान समय में विश्व स्तर पर इसकी संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण कदमों में से एक वैश्विक स्तर पर 20 मार्च को वर्ल्ड द स्पैरो डे को मनाना है। भारत सरकार भी इस पक्षी के संरक्षण में कोई कोर कसर नहीं छोड़े हुए है। यही कारण है कि गौरैया को बिहार और दिल्ली सरकार द्वारा राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। गौरैया की घटती आबादी के पीछे सबसे बड़ा कारण है मोबाइल टावर है, क्योंकि मोबाइल टावर की रेडिएशन की वजह से गौरैया के अंडे जल्दी नहीं फूटते हैं। आमतौर पर अंडे देने के 12 से 15 दिन में गौरैया के बच्चे बाहर आ जाते हैं, लेकिन मोबाइल टावर के पास अंडा फूटने में 1 महीने का समय लग जाता है। यह पक्षी औसत रूप से 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। कभी कभी गौरैया भोजन की तलाश में दूर तक चली जाती है, लेकिन मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगे इसे भ्रमित कर देती है, जिससे ये वापस अपने घोंसले तक नहीं पहुंच पाती है।
क्योंकि यह तरंगे इनके मस्तिष्क पर सीधा असर करती है। इसके अलावा खेतों में दिए जाने वाले रासायनिक पदार्थ भी गोरैया की प्रजनन क्षमता कम करते हैं। गोरैया के अस्तित्व को बचाने के लिए हमें इसके लिए घरों में जगह रखनी होगी, जहां ये अपना घर बना सके, और अपने अपने घरों की छत पर इसके लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी होगी।